को खान वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो यहां पर पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द तेमूर अटैक तेमूर अटैक के कंसिक्वेंस के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था तो ये बिल्कुल सही है मुबारक सा इसका इंपॉर्टेंट रूलर था ये भी बिल्कुल सही है इट रूल फॉर हट पीरियड ऑफ टाइम ऑल पिछले क्लास में हमने देखा था कि वो खलजी डेनेस्टी थी जो सबसे ज्यादा कम टाइम तक रूल की थी और सबसे अधिक टाइम तक किसने रूल किया था तो वो थी तुगलक द लास्ट रूलर ऑफ दिस नहीं खान इसका फर्स्ट रूलर था तो थर्ड और फोर्थ जो है हमारा इनकरेक्ट है और फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा तो स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट होगा देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी तो ये

तिमूर के अटैक के बाद उसको अपॉइंट करते जाते हैं दिल्ली में ठीक है तिमूर के द्वारा और वो फाउंडेशन रखते है किसका सैयद डेनेस्टी का मुबारक शाह इसका इंपॉर्टेंट रूलर रहता है और वो सन रहता है किसका खिजर खान का वो रूल करते हैं फोर्टीन हंड्रेड थर्टी फोर से फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी थ्री तक अलाउद्दीन आलम शाह जो होते हैं वो लास्ट रूलर होते हैं जिसका रूलिंग पीरियड होता है फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी फाइव से फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी वन तक और हमने देखा कि खलजी पीरियड का खलजी डायनेस्टी का जो पीरियड था वो शॉर्टेज था सारे में और खिजर खान जो था इसका फर्स्ट रूलर था तो रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है किंगडम ऑफ जौनपुर वब्ज्यूट अंडर द रूल लोधी डेनेटीन एटी नाइन टू फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो पहले जो है कि किंगडम ऑफ जौनपुर वॉज सब डर द रूल ऑफ लोदी डेनेस्टी ये बिल्कुल ही सही बात है फर्स्ट जो है बिल्कुल सेकंदर लोदी जो है वो रीन उसका जो पीरियड रहता है वो फोर्टीन हंड्रेड एटी नाइन से फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी तक रहता है नहीं फोर्टीन हंड्रेड एटी नाइन से फिफ्टीन हंड्रेड सेवनटीन एटी तक रहता है तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है कई बार यहां पर जो उनका पीरियड रहता है रूलिंग पीरियड ये पूछा जाता है तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ठीक है ऑप्शन नंबर हमारा वन हो जाता है करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इन है लास्ट डेंसिटी कौन सा रहता है दिल्ली सल्तनत का वो रहता है लोधी डेंसिटी और सेकंड लास्ट रहता है आपका सैयद डेनेस्टी वो एग्जिस्टेंस में उसका कब है फोर्टीन में ठीक है और रूल होता है इसका फिफ्टीन तक

बाबर नॉबल डिसकंटेड टूवर्ड्स द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डिक्लाइन ऑफ सल्तनत दिल्ली सल्तनत तो लोदी रोलर ओरिजिन के नहीं टर्किश ओरिजिन के नहीं थे वो अफगान ओरिजिन थे ठीक है अफगानी थे तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है सिकंदर लोधी जो है वो डिफीट हो जाता है बाबर बाबर से नहीं वो इब्राहिम लोधी होता है पानीपत का जो युद्ध होता है फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में वो इब्राहिम लोधी होता है ठीक है तो फर्स्ट और सेकेंड जो है वो रॉन्ग है और यहाँ पे स्टेटमेंट जो पूछा जा रहा है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये पूछा जा रहा है तो बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डिसकंटेंट हो जाते हैं लास्ट से और ये रीजन बनता है डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं लोदी रूलर जो होते हैं वो अफगान ओरिजिन के होते हैं ना कि टर्किश ओरिजिन के और इसके जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं बहलोल लोदी ठीक है उसके बाद क्या होता है बहलोल लोधी जो है वो अडॉप्ट है हैं शाह गाजी का टाइटल और उसके बेटे का नाम रहता है सिकंदर लोदी जो स्टेब्लिश करता है आगरा नामक सिटी को थर्टी थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ 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 द द द द द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अफगान रूलर्स टू थ्रोन दिल्ली तो करेक्ट हमें ऑर्डर बताते हैं अफगान रूलर्स का तो पहले है बहलुल खान लोधी जो कि फाउंडर होते हैं उसके बाद है सिकंदर शाह लोधी

आफ्टर द डेथ ऑफ द सिकंदर लोदे अब हम देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इक्ता सिस्टम वॉज द फाउंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द इक्ता सिस्टम तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इक्ता सिस्टम के रिगार्डिंग तो ये आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी द ग्रांट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अ टेरिटरी उसका मतलब होता था एकता एकता का मतलब क्या होता था कि ग्रांट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ए टेरिटरी और ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था दिल्ली में और ये स्टार्ट किया गया था किसके किसके द्वारा कि में और, उसी वो कहा था, और जो इसको एशाइन करता था उसको बोला जाता था इक्ता मतलब वसूल करता था उसको बोलता था इक्तादार और ये किसको किसको किया जाता था ये सोल्जर्स को एक

ऑफिस अफेयर से रिलेटेड है और ये आपको पता है किसने स्टार्ट किया था बलबन ने दीवान वो स्टेट कॉरस्पो से रिलेटेड है ये बिल्कुल सही है वजारत दीवानस अफेयर से रिलेटेड नहीं है ये आपका रिलेटेड है फिनास डिपार्टमेंट से इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट थर्ड है वो इनकरेक्ट है बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड है वो करेक्ट है पेयर फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है दीवान अर्ज सुल्तान बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और वो बिलोंग करते हैं स्लेव डेनेस्टी से और दीवाने अर्ज जो था वो हेड किया जाता था अर्ज मालिक के द्वारा दीवाने इंसा जो था वो डिपार्टमेंट था स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस से और ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए सेंडिंग और रिस्पॉन् रिसीविंग स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस विद इन सल्तनत और आउटसाइड में दीवान वजारत जो था वो फिनांस डिपार्टमेंट था और यह हेड किया जाता था वजीर के द्वारा जो कि प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इज द द द मेन रीजन बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट एंड अदर रिफॉर्म्स बाय अलाउद्दीन खर्जी तो हमें बताने हैं टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर रेजिंग लार्ज आर्मी इन ऑर्डर टू चेक मंगोल इनविजन इट टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ सरियल लॉ ओवर द नन मुस्लिम पॉपुलेशन टू इंश्योर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन टू आर्म फोर्सेज एंड कॉमन पीपल तो हमें बताने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग उसके मार्केट रिफॉर्म से बिलोंग करते हैं तो पहले बिल्कुल सही है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता था लार्ज रेवेन्यू को लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्योंकि मंगोल इन्वेजन का डर था ठीक है मंगोल इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने राज्य को वो क्या करता था लार्ज आर्मी रखता था और उनको उनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो मार्केट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और अदर रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया था टू इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ सरिया लॉ ओवर द नॉन मुस्लिम ये नहीं है ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी अलाउद्दीन खिलजे का जो पीरियड होता है रीन का वो 1296 से 1360 नाइनटी सिक्स है और वो बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है जैसे कि

सहाना वॉज दर जो यूज टू लुक आफ्टर दर्सेट सिस्टम को, को ने किया था? ने। तो सहना जो था वो एक ऑफिसर था जो रेगुलेट करता था किसको मार्केट सिस्टम को और ये किसके पीरियड में था ये मिलनी अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में था अलाउदीन

और जो मार्केट जो है उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन ऑफिस ऑफ मीर बक्सी द रीन ऑफ खल सुल्तान इन दिल्ली हमें है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है

सिस्टम पीरियड में हमने पढ़ा था क्या चीज लैंड ग्रांट का सिस्टम जो था वो पढ़ा था हमने। कि ब्राह्मण्स को दिया जाता था लैंड ग्रांट, लैंड ग्रांट्स दिया जाता था लेकिन ऑफ एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खल सुल्तान तो नहीं ये मुगल्स के टाइम पे आया था ठीक है तो मीरबक्सी क्या करता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो होता था हेड होता था तो सेकेंड और थर्ड जो है वो दोनों ही गलत है देख लेते हैं एक बार सिस्टम इंट्रोड्यूस और इसका जो होल्डर होता था था उसको बोलते थे और तो और वालिस और ये डेवल, किया -किया तु 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 ये डेवलप किया गया द्वारा ये किसको हेड करता था मिलिट्री डिपार्टमेंट को थर्टी नंबर क्वेश्चन देख लेते और ये मैच ऑफ द तो फॉलोइंग है ऑफिसर्स और उनके रिगार्डिंग उनके जो ड्यूटीज़ हैं वो दिया गया काजी वजीर मुशरफ बख्शी सुपरवाइज द अकाउंट्स पे मास्टर चीफ जज सुपरवाइज द वर्कर ऑफ ऑल द ऑफिसर्स हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है तो काजी आपको पता है वो चीफ जज होते थे और मेनली मुस्लिम्स के जो चीफ जज हुआ करते थे उनको काजी कहा जाता था वजीर वजीर कौन होता था वजीर मेनली वो सुपरवाइज करता था प्राइम मिनिस्टर की तरह वर्क करता था ऑल वर्कर्स ऑल अदर ऑफिसर्स मुशरफ कौन था मुशरफ जो था वो अकाउंट्स को करता था और बक्सी जो था वो पे मास्टर था ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट काजी चीफ जज हुआ करता था और वो सॉल्व करता था रिलीजन के बेसिस पे केसेस को वजीर क्या होता था सुपरवाइज करता था

वो सही है तो अर्जय ममालिक वो जो ए कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो सुल्तान होता था वो कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का ठीक है मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड होता था ना वो कहलाता था, था अर्जय ममालिक हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट कहलाता था अर्जे मालिक, और अर्जे मालिक का जो चीफ कमांड होता 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 था वो कौन होता था था चीफ 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 कमांडर कमांडर इन इन वो कौन सॉरी जो आर्मी का होता था वो कौन होता था जो सुल्तान होता था वही होता था अर्जयिक सिर्फ मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था अर्जय मालिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड रिक्रूटमेंट इक्विप एंड पे द आर्मी तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट है फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि अर्जय मालिक कमांडर इन चीफ आर्मी नहीं होता है सुल्तान होता था वो मिलिट्री का हेड होता था और ये अर्ज ममालिक का काम होता है रिक्रूटमेंट करना इक्विपमेंट करना और पे करना आर्मीज को फोर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं तो फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट ऑफ ऑल दिल्ली रूलर Of all the rulers, Alauddin Khalji had the largest standing army. Muhammad Ibn Tilak paid great attention to revenue department. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा statement जो है वो करेक्ट है तो बिल्कुल सही बात है पहला ऑफ ऑल द आर्मी रूलर्स अलाउद्दीन खिलजी है द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी और इसीलिए उसने काफ़ी ज़्यादा मार्केट के ऊपर कंट्रोल किया था जिससे जो उनका सप्लाई हो वो होता रहे और आर्मी के लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी होने की वजह क्या था मंगोल के इन्वेजन को चेक आउट करना चेक करना मोहम्मद बिन तुगलक पेड ग्रेट अटेंशन टू द रिवेन्यू डिपार्टमेंट ये बिल्कुल सही बात है दोनों ही ऑप्शन अपने अपने जगह पे करेक्ट है स्टेटमेंट इस इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाता है सी सही हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे ज़्यादा आर्मी स्टैंडिंग आर्मी थी और बर्नी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ थी अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी की वो अराउंड थ्री लैख थी जो कि काफी मतलब ये तो एक्सजरेट एक एक लगता है कि वो बहुत ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं लेकिन हो सकता है थ्री लैख ना हो तो टू लैख हो एटलीस्ट इतना होगा अब वो पहले सुल्तान था जिसने अपने ऑफिसर्स जो सोल्जर्स थे उनको कैश में पे करता था ठीक है मोहम्मद बिन टुगलक जो है वो क्लोज अटेंशन देते हैं देते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो वजीर होता है उसके वजीर का नाम होता है ख्वाजा जहान जो कि वाइडली रिस्पेक्टेड होते हैं ठीक है फोर्टी सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वॉज वेयर इंट्रोड्यूस बाय द अलाउद्दीन खलजी तो कौन सा रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खलजी के द्वारा रेगुलर मस्टर ऑफ द आर्म फोर्सेज ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेज डिस्क्रिप्टेड रोल ऑफ ईस्ट सेल्जर्स वॉज मेंटेन पेड सैलरीज इन कैश ये चारों ही जो रिफॉर्म था वो अलाउद्दीन खलजी के द्वारा गया रेगुलर मस्टर ऑफ द आर्म फोर्सेज ये बिल्कुल सही है ब्रांडिंग किया था वो हॉर्सेज का दाग एंड हुलिया सिस्टम उसके द्वारा अपनाया गया था ये भी ध्यान रखें डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ ईस्ट सोल्जर वॉज ये ये भी भी किया गया था एंड पेड इन कैश बिल्कुल सही है जो अलाउद्दीन खिलजी था वो खुद को सिकंदर ए सानी कहता था मतलब मतलब सेकंड अलेक्जेंडर खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब सेकंड अलेक्जेंडर द ग्रेट कर बोलता था और इस उसने बहुत सारे आर्मी के रिगार्डिंग ये काम किए इम्प्लीमेंट किया रेगुलर आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो दाग और हुलिया सिस्टम को भी अपनाया कि जो ब्रांडिंग करता था हॉर्सेस के ऊपर वो करता था जो सोल्जर्स थे उनका एक डिस्क्रिप्टिव रोल हुआ करता करता था 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 जो 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 उनको मेंटेन मेंटेन करना पड़ता और और वो 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 पहला दिल्ली सल्तनत का का रूलर आर्मीज़ आर्मीज़ को कैश में पेट करता था, ठीक है है ये सब इसलिए कि एफिशिएंसी रहे नंबर क्वेश्चन द फॉलोइंग

पुलिया होता था तो मतलब उनका एक डिस्क्रिप्टिव रोल हुआ करता था वो मेंटेन करता था कैश में पे करता था तो ये सारी चीज़ें उसने इफिशियंट करने के लिए मिलिट्री सिस्टम को इफिशियंस की इफिशियंसी जो है उसको इंक्रीज करने के लिए करता था और इसीलिए वो मंगोल इन्वेजन को कंट्रोल करने में कंट्रोल करने में सफल हुआ और साथ ही साथ वो कंकर करने में सफल रहा डेक्कीन को भी तो दोनों ही यहाँ पे एसर्सन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है एसर्सन का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है यहाँ पे करेक्ट कि दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका एसर्सन का अलाउद्दीन जो है वो कंटेन करने में एबल होता है मंगोल इन्वेजन को और कंकर करता है उसी टाइम पे डेक्कीन को भी ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने थे नेक्स्ट क्लास में हम फोर्टी नंबर क्वेश्चन से देखेंगे थैंक यू सो मच बाय